जिले भर में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सीआरपीएफ B41 बटालियन द्वारा विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप परिसर के आसपास सफाई कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। स्वच्छता अभियान के तहत सहायक कमांडेंट कुमारी रंजीता के नेतृत्व में सीआरपीएफ B41 बटालियन विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप परिसर और आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान जवानों ने सांची स्तूप रोड से लेकर सांची सिविल अस्पताल और अन्य प्रमुख स्थानों की सफाई की। बता दें कि सांची स्तूप जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस अभियान का केंद्र बना। सीआरपीएफ B41 के जवानों ने न केवल सफाई कार्य किया बल्कि आम जनता को भी स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। अभियान के दौरान स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सहायक कमांडेंट कुमारी रंजीता ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए हम सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता न केवल हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर बनाती है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मैम, आज आप लोगों ने आगे सांची के आसपास जो सफाई की, क्या है? ये स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत आज हम लोग सांची परिसर, जो कि हमारा राष्ट्रीय धरोहर के साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज में भी काउंट होता है, तो इसके परिसर के आसपास हमें सफाई करना था और लोगों को जागरूक भी करना था। कमांडेंट श्री मनीष कुमार यादव के आदेशानुसार मैं सहायक कमांडेंट रंजीता अपने ब्रेवो कंपनी को लेके सांची परिसर में गई थी। कुल 50 लोग थे और वहाँ के कुछ सिविलियन लोग भी हमने शामिल किया था। आसपास की सफाई किया और लोगों को ये बताया कि जो स्वच्छता है ये साल में 10 दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे साल आप हर प्रतिदिन अपने आसपास के एरिया को साफ सुरक्षित रखें ताकि आपके आने वाले जो पीढ़ी है वो इस तरह के बीमारी जो कि गंदगी से फैलता है उसके चपेट में ना आए और आसपास साफ सुथरा रहे। और हम जो अपनी जो प्राइम ड्यूटी है हमारी सुरक्षा की, देश सुरक्षा की, इसमें से जो हमने 10 दिन में निकाला वो भी हम देश सुरक्षा में लगा सकें। और ये 10 दिन आपको प्रेरित करने के लिए हम आपके आसपास, आपके सांची परिसर के आसपास हम गए थे और सफाई अभियान कराया था। धन्यवाद। सफाई के लिए और लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं गंदगी देखते हैं आसपास गांव शहर में, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि सफाई किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच या पुलिस या कोई एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये हर एक नागरिक का काम है। और आप उसके लिए आप कोशिश करें कि सफाई, गंदगी हो ही ना, गंदगी पनपना ही नहीं चाहिए, तो सफाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सफाई की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लापरवाह हैं। हम ये ध्यान नहीं देते कि जब चिप्स के पैकेट, चिप्स खा रहे हैं तो उसके पैकेट को कहीं भी फेंक दिया या कोई भी इस तरह का गंदगी है उसको प्रॉपर जगह पे नहीं फेंका। और कुछ लोगों को तो ये भी अभी तक पता नहीं है कि ये ब्लू क्या कचरा को कौन से ब्लू डब्बे में डालना है, कौन से ग्रीन डब्बे में डालना है। आजकल तो एक मेडिकल कचरा भी होना शुरू हो गया है, तो ये सब की जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। हम अभी सांची के अस्पताल भी गए थे, वहाँ के भी कार्मिक और कर्मचारी के साथ मिलकर सफाई अभियान को किया और डॉक्टर्स, चिकित्सक और नर्सेस वगैरह को भी ये चीज़ बताया कि आसपास के लोगों को अवेयर कराएं इस काम से। आपका परिचय? मैं कुमारी रंजीता, सहायक कमांडेंट 41 बटालियन ब्रेवो कंपनी की हूँ। इस दौरान सीआरपीएफ जवानों ने नागरिकों को अपने घर और सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई रखने का भी संकल्प दिलाया। 50 से अधिक सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहे। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन।